घाटा मौजा में मापी के बाद प्रशासन ने जारी किया है अतिक्रमणकारियों की सूची और सरकारी जमीन पर कुमनाथ सिंह ने लगाई है फैक्ट्री। सरकारी जमीन पर बिल्डर पप्पू सिंह ने मकान बनाया है। लेमन चिली रेस्टोरेंट भी सरकार की 50 डिसमिल जमीन पर ही है। 34 प्लाटों में कोई दावेदार सामने नहीं आया। कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। अतिक्रमण हटाने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की मदद लेने का भी निर्देश दिया गया है। बड़ी कार्रवाई ये आप लगातार देख रहे हैं न्यूज 11 भारत में, कैसे जमीन का कारोबार पूरे राज्य में फल फूल रहा है। सरकारी जमीनों को भी नेचर बदलकर जमीन के दलाल उसे बेच रहे हैं और आवाघाटा मौजा में ये बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम सूची जारी कर दी गई है और अब दंडाधिकारी और पुलिस बल की मदद लेने का भी निर्देश दिया गया है। सहयोगी अरुण बर्णवाल जुड़े हुए इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ। अरुण, सरकारी जमीन पर किस तरह यहां पर आराम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं, किसी का मकान बना हुआ है, कहीं फैक्ट्री चल रही है, अब इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा, ये बड़ी कार्रवाई होगी। धनबाद अंचल का ये आमाघाटा मौजा है, 28 खाता का ये 87 प्लॉट का ये मापी का प्रक्रिया अंचल धनबाद अंचल ने पूरी कर ली और इसकी जो सूची है, जो अतिक्रमणकारियों की सूची है, इस पूरे कमान के जो अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसपे जो देख रेख करता है डीएम, लॉ एंड ऑर्डर सौंप दी गई है और उसके बाद ये 74 जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। इसमें दबंग और रसूखदारों के नाम हैं, जिसमें एक कोयला व्यवसायी कुमनाथ सिंह है जो जिन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया में एक फैक्ट्री बना रखी है। दो बिल्डर हैं जिसमें एक पप्पू सिंह ने दुकानें और मकान और बाउंड्री करके बड़ा लगभग 3 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में किया है। वहीं एक अन्य बिल्डर है अनिल सिंह, जिनकी लेमन चिल्ली रेस्टोरेंट है, वो सरकार की 50 डिसमिल जमीन पर है। इसके अलावा कई मार्केट हैं जिसमें एक अन्य स्टोर है, दुकान है, एक दवा की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, इस तरह कई ऐसे हैं जो जिनके पक्के मकान बनाकर सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 34 ऐसे प्लॉटों का भी चिन्हित किया गया, मापी की गई, जिसके कोई दावेदार सामने नहीं आए। अब इसके बाद डीएम लॉ एंड ऑर्डर ने एसडीओ को निर्देश देकर दंडाधिकारी और पुलिस के साथ अब वहाँ पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और जिस तरह का प्रशासन ने रुख अख्तियार कर रखा है, लगता है जो पक्के मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्री बने इनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा जिला प्रशासन। जी शुक्रिया अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए।